ओम शांति सत्ताईस जुलाई के ईश्वर में आप सबका स्वागत है परमात्मा पिता कहते हैं कि एक मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने वाले और कराने वाले एकांतवासी भवा कहने करती है कि एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना पीसफुल स्टेज हैप्पी स्टेज संतुष्ट होने की स्टेज या नृसंकल्प फियरलेस निर्भय स्टेज ये सारी बहुत शक्तिशाली स्थितियां हैं जिसको पाने के लिए कई ऋषि मुनि कई साधु संत बहुत सारे लोग बहुत सालों की तपस्या करते हैं तो परमात्मा कहते हैं किसी भी एक स्टेज को आप पकड़ लो और उसमें आप टिकने की कोशिश करो मन में बहुत तूफ़ान आएंगे बहुत सारी सिचुएशन आएंगी बहुत सारी बातें आएंगी लेकिन एकांतवासी मतलब एक परमात्मा में सारा भरोसा रख करके उनसे कनेक्ट होकर के ही ये स्टेज पर हम पहुंच सकते हैं चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ बीज परमात्मा बीज है मैं भी आत्मा बीज हूँ मेरा कोर क्या है कोर क्या है हंड्रेड परसेंट प्योरिटी पावर पीस लव हैप्पीनेस और मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया से बस मैं बीज रूप स्थिति में हूँ ओरिजिनल फॉर्म में हूँ मैं चाहे लाइट माइट हाउस कि मैं सारे विश्व की आत्माओं को शांति प्रेम आनंद खुशी की लाइट वाइट कलर की रेस जिसके अंदर सारी सातों शक्तियाँ हैं गुण हैं उनको मैं स्प्रेड कर रहा हूँ लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो विश्व को लाइट माइट दो चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ अव्यक्त स्थिति मतलब कि हम दिन भर में दुनियावी बातों के बारे में बात करते हैं धन दौलत और साथी संबंधी किसका क्या हुआ किसका क्या नहीं हुआ यह होगी दुनियावी बातें फर्श की बातें फर्श और परमात्मा कहते हैं फ़रिश्ता मतलब कि जो फ़र्श से कोई रिश्ता नहीं रखता जो इन सारी चीज़ों से बातों से बहुत दूर है जो कि औरों के अंदर कमी कमज़ोरी लोग मुझसे क्या बुरा कर रहे हैं मेरे साथ में क्या गलत कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए वैसे होना चाहिए टाइम में क्यों नहीं हो रही है इन सारी बातों से दूर हो के फ़रिश्ता जो कि अपनी प्रॉब्लम से दूर है इस कारण से वो औरों की मदद कर पा रहा है लेकिन जो अपने ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ है फरिश की बातों में ही दिन भर लगा रहता है फिर वो औरों की मदद कर नहीं सकता ना वो सेवा कर पाएगा ना वो योग परमात्मा को याद कर पाएगा बिकॉज वो वो ये बोलेगा कि मेरी जब तक दुनियावी बातें मेरी सॉल्व नहीं होंगी मैं परवान को परमात्मा को याद कैसे करूँ मैं मेडिटेशन कैसे करूँ वो फरिश्ता नहीं हुआ वो भारी हो गया वो धरती पर गिरा बोलते ना कि फॉलन एंजल्स तो एंजल्स फॉलन क्यों हुए उनके पर कट गए पर मतलब ज्ञान और योग तो पर हो गए ज्ञान खत्म हो गया और योग परमात्मा से कनेक्शन टूट गया इसलिए वो फॉलन एंजल्स हो गए तो फरिश्ता मतलब क्या हुआ जो कि अपने आप को डिटैच कर पाते हैं प्रॉब्लम की बातों से किस घर में प्रॉब्लम नहीं है किस आत्मा के जीवन में प्रॉब्लम नहीं है चाहे वो धन की हो चाहे हेल्थ की हो चाहे संबंधों की हो कुछ भी हो हर एक घर में कुछ प्रॉब्लम है लेकिन जो आत्माएं परमात्मा को पहचान लेती हैं और अपने आप को कुछ समय के लिए फर्श की बातों से अलग कर लेती हैं डिटैच कर लेती हैं मुझे नहीं सोचना मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब परमात्मा के दिए हुए टेस्ट हैं और परमात्मा ही मुझे गाइड करेगा कैसे इनको पार करना है वो सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देते हैं इससे परमात्मा हल्के हो जाते हैं इसलिए उड़ना शुरू करते हैं उड़ना शुरू मतलब कि उनका माइंड हल्का हो जाता है और वो परमात्मा की याद में टिक पाते हैं नहीं तो बार बार गिर जाएंगे नीचे फर्श की बातें याद करेंगे तो मेडिटेशन में भी अच्छा फिर परमात्मा कहते हैं चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ अव्यक्त मतलब कि फिजिकली डिटैच स्थिति एक सेकेंड व एक मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ एक सेकेंड व एक मिनट भी एक सेकेंड भी बहुत बड़ी बात है हो जाओ तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस कब कर सकते हैं अमृत वेला नहीं तो फिर इवनिंग में साढ़े छः से साढ़े सात में कर सकते हैं या किसी और समय जहाँ पर आप एकांत एक में और साइलेंस में बैठ कर परमात्मा को याद कर पाएँ